वेलकम टू आवर चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस भी साइमल्टेनियसली हमारी चल रही हैं, और जो रेगुलर डेटा है जो सिलेबस से रिलेटेड है वो तो रेगुलर अपलोड हो ही रहा है। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी जो जनवरी से जून तक के जो इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स थी, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हैं इम्पॉर्टेंट जो नियुक्तियां हैं, जो जिन जिन पदों पर इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों को बिठाया गया है, तो उन सारी नियुक्तियों को आज हम कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमने कोशिश यही की है कि हम अपडेटेड डेटा रखें, और हमने अपडेटेड डेटा ही रखा है, और हो सकता है ये आगे चेंज हो तो वो हम आपको अपडेशन देते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात जो जो शायद हम सभी को पता होगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन से हैं, अब जो बन गए हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये याद रखिएगा ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। तो 25वें हैं कौन है, शक्तिकांत दास। इसके अलावा चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो कौन है, वो है सुनील अरोड़ा। ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं आपके 23वें नंबर के। तो आरबीआई के गवर्नर हैं 25वें नंबर के, और जो सुनील अरोड़ा हैं वो कौन से हैं, वो 23वें नंबर के हैं। इसके अलावा दो, जैसे हमारे चीफ इलेक्शन जो बॉडी है, जो इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, जो कि 324 आर्टिकल के अंतर्गत आती है संविधान में, और इसमें जो तीन लोग होते हैं, मतलब मेनली तीन, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। अशोक लवासा, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, और है सुशील चंद्रा। तो ये हो गया। उसके बाद जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, चूँकि ये भारतीय मूल की हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये हैं गीता गोपीनाथ, जो IMF, आई होप सबको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दोनों ही जो लोन देती हैं, ये जो देशों को, विभिन्न देशों को ये लोन प्रदान करने वाली संस्थाएँ हैं। तो IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। इसके अलावा जो FIFA है, जो फुटबॉल की एक महत्वपूर्ण बॉडी है, उसकी कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय हैं जिनको सदस्य के रूप में चुना गया है, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ये पहले भारतीय हैं जिनको FIFA की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान मिला है, तो ये याद रखिएगा, प्रफुल्ल पटेल। इसके अलावा नेस्कॉम, जो एक IT सेक्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, उसके जो चेयरमैन हैं, जो अभी बने हैं लेटेस्ट, वो हैं केशव आर मुरुगेश। ये आप याद रखिएगा, केशव आर मुरुगेश। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो हर जो भी नियुक्तियां होती हैं या जो भी कोई भी चेंजेस आते हैं, तो अगर आप उसका एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज, क्योंकि आपको एग्जाम्स में चार ऑप्शन होते हैं, उन चार ऑप्शन में से अगर आपने कहीं भी वो पढ़ रखा होगा ना, कि अगर क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो आप इजीली टिक कर सकते हैं कि हाँ ये पढ़ा हुआ था, वो रिकॉल कर जाता है वहाँ पर। तो केशव आर मुरुगेश, जैसे मुरुगेश अलग सा नाम लग रहा है, तो नेस्कॉम के ये चेयरमैन है। इसके अलावा जो कन्फेडरेशन इंडस्ट्रियल जो ये है भारतीय उद्योग परिसंघ है CII, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विक्रम किर्लोस्कर। ये भी आप याद रखिएगा, ये औद्योगिक क्षेत्र की यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है CII, एक फेडरेशन है बेसिकली, संघ है ये, ठीक है। CII के अध्यक्ष कौन है, विक्रम किर्लोस्कर। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंडियन हॉकी टीम है, उसके जो कोच हैं, वो किसे बनाया गया, वो बनाया ग्राहम रीड को। ग्राहम रीड ये कहाँ के हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये भी आप याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राहम रीड। इसके अलावा एशियन फुटबॉल फेडरेशन, देखिए जो FIFA की कारण का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जो पहले भारतीय जिनको स्थान मिला है या सदस्य के रूप में चुना गया है, वो हैं आपके प्रफुल्ल पटेल। जबकि जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है तो याद हो जाएगा, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, ठीक है, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, ये एशियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा आपसे ये बहुत पूछता है कि हाई कमिश्नर, जो इंडियन हाई कमिश्नर है किसी भी देश में, या फिर इंडियन एम्बेसडर हैं किसी भी देश में, तो मेनली हमें जो याद रखनी है, चार कंट्रीज़ के याद रखने हैं।
जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे देश हैं जिसमें इंडिया के एम्बेसडर्स हैं या इंडिया के हाई कमिश्नर हैं. हाई कमिश्नर मतलब बोलते हैं उच्चायुक्त, और एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, इसका जो हिंदी प्रोनंसिएशन होता है. तो मेनली जो चार देश हैं वो इन चारों के आपको याद रखने हैं, यही एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं. एक है आपका अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश. चूँकि सारे ही चारों ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए. चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे क्या हैं ये? ये हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं. अमेरिका मतलब वर्ल्ड की पावरफुल इकोनॉमी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो अमेरिका में भारतीय राजदूत, मतलब भारत के जो राजदूत हैं, देखिए राजदूत और उच्चायुक्त में डिफरेंस होता है. एक्चुअली दोनों का काम सेम होता है, मतलब केवल बोलने में, केवल जैसे उन वो कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ का जो हमारा जो संघ था उसकी सदस्य रही हैं, वहाँ पर जो इंडिया के एम्बेसडर्स जाते हैं उनको हम हाई कमिश्नर बोलते हैं. जबकि जो कॉमनवेल्थ, वो कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं रही हैं, वहाँ पर जो हमारे उच्चाधिकारी नियुक्त होते हैं उनको हम एम्बेसडर्स बोलते हैं. तो मेनली काम एक ही होता है एम्बेसडर का भी और हाई कमिश्नर का भी. मेनली डिफरेंस जो होता है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट होने में है. जो कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ का पार्ट रही हैं, जो कॉमनवेल्थ पहले पूरा एक संघ था उसका पार्ट रही हैं, वहाँ पर आपके हाई कमिश्नर बोले जाते हैं. और जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं रही है वहाँ एम्बेसडर्स बोले जाते हैं. तो अमेरिका कभी भी कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं रहा है, तो अमेरिका में क्या होंगे? राजदूत, यानी कि कौन होते हैं? एम्बेसडर. यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, ये लेटेस्ट हैं, ये अभी बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला. चीन में भी, चीन भी कभी मतलब कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं रहा है, तो चीन में भी कौन होंगे? राजदूत, यानी कि एम्बेसडर्स. चीन में हैं विक्रम मिश्री, आप ऐसे याद रख सकते. चीन क्या है? चीनी, चीनी और मिश्री क्या होते हैं? मीठी. ठीक है, तो चीन में कौन बने हैं? विक्रम मिश्री. मिश्री मीठी मीठी होती है. ठीक है, पाक है, पाक में जो है वो पाक और पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, ये सभी कॉमनवेल्थ के पार्ट रहे हैं. ठीक है, यह हम आपको आगे बताएंगे, आगे आगे जब हम कोई भी चीज़ डिटेल में लेंगे, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ये वो. तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, यहाँ पर आप हाई कमिश्नर बोलोगे, तो उच्चायुक्त. तो पाकिस्तान में जो है वो हैं अजय बिसारिया, और बांग्लादेश के हैं रीवा गांगुली दास. तो ये आप याद रखिएगा. इसके अलावा सेशल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी हमारा एक आइलैंड था जो कि न्यूज़ में रहा था, तो इसके भी आपसे पूछूं कि ये न्यूज़ में था तो इसके पूछे जा सकते हैं कि सेशल्स के जो उच्चायुक्त हैं, यहाँ पर भी ये भी कॉमनवेल्थ का पार्ट रहा है, तो भारतीय उच्चायुक्त कौन है सेशल्स में? जो दलबीर सिंह सुहाग हैं वो हैं भारतीय उच्चायुक्त कहाँ पर? सेशल्स में. तो ये याद रखिएगा आप. इसके अलावा एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं? अभी बने हैं ये एयरफोर्स के वाइस चीफ बने हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया. इसके अलावा जो इलेक्शन हुए थे अभी, तो इलेक्शन एम्बेसडर बनाया गया था. तो इलेक्शन, ये ऐसी पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको इलेक्शन एम्बेसडर बनाया गया है. वो कौन है? गौरी सावंत. ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको इलेक्शन एम्बेसडर बनाया गया है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर. इसके अलावा जो इंडियन नेवी है उसके चीफ कौन बने हैं? ये भी आप याद रखिएगा, ये चेंज हो गए हैं. तो इंडियन नेवी के चीफ बने हैं करमबीर सिंह. एक और जो प्रथम लोकपाल हैं, जिनको जो लोकपाल का बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से ये चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि अमेंडमेंट करिए और ये करिए, लोकपाल ये गठित कीजिए, कमेटी गठित कीजिए. ठीक है, तो लोकपाल जो बने हैं, प्रथम लोकपाल वो बने हैं हमारे पीसी घोष, जिसको हम, जिनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष. ये प्रथम लोकपाल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकपाल बॉडी अभी रिसेंटली बनी है. इसके अलावा भारतीय नेवी के हमने देख लिया, इंडियन नेवी के करमवीर सिंह हैं. बीसीसीआई के लिए लोकपाल, क्योंकि हर बॉडी के लिए वैसे ये तो वैसे हैं पूरे इंडिया के प्रथम लोकपाल पीसी घोष, लेकिन बीसीसीआई जो आपकी बोर्ड है ऑफ क्रिकेट काउंसिल जो इंडिया का है, उसके जो लोकपाल बने हैं वो बने हैं जस्टिस डीके जैन. तो ये याद रखिएगा कि बीसीसीआई बॉडी के जो लोकपाल बने हैं, बीसीसीआई बॉडी मेन कंट्रोलिंग बॉडी है किसकी? क्रिकेट की, इंडिया में जो क्रिकेट की है. तो बीसीसीआई के लोकपाल जो बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस डीके जैन. ठीक है, इसके अलावा फिक्की, फिक्की भी आपका इम्पोर्टेंट एक उद्योग परिसंघ है. तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संदीप सोमानी. फिक्की के कौन हैं? संदीप सोमानी. एक आपका है साउथ अफ्रीका में, ये हमने, जैसे हमने एक तो उच्चायुक्त हमने पढ़े
जो आपके एम्बेसडर या उच्चायुक्त पढ़े पाकिस्तान के पढ़े, चाइना के विक्रम मिश्री पढ़े, पाकिस्तान के अजय बिसारिया, इसके अलावा अमेरिका के हर्षवर्धन श्रृंगला, बांग्ला और हमने देखा था बांग्लादेश के रीवा गांगुली दास, सेशल्स के आपके कौन थे, सेशल्स के दलबीर सिंह सुहाग, ऐसे ही साउथ अफ्रीका, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ पर गांधी जी का भी इससे बहुत लगाव था क्योंकि यहीं पर सबसे पहले गांधी जी ने रंगभेद की नीति और ये जो सब था ये सब हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं वो कौन है, इंडियन हाई कमिश्नर, तो बनी है अभी रुचिरा कंबोज, पहले कोई और था, ये अभी लेटेस्ट है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ कि साउथ अफ्रीका के कौन बने हैं, साउथ अफ्रीका की बनी है रुचिका कंबोज, रुचिका कंबोज, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ थे, इसके अलावा अगर हम देखें, ये हम देख चुके हैं वित्त सचिव कौन बने हैं नए, वो हैं एएन झा, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि न्यू जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है, तो वो हैं एएन झा। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार जिनको बोलते हैं, ये कौन बने हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसके अलावा यूएन के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के का जो लेखा परीक्षक पैनल है तो उसमें उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है राजीव महर्षि को, राजीव महर्षि को। और दो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में अभी नए दो जज बने हैं जिनके नाम है संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी। अब इनकी नियुक्ति से क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या टोटल 28 हो गई है, ठीक है। तो हाँ, और मैक्सिमम कितनी अलाउड है सुप्रीम कोर्ट में, 31, मैक्सिमम 31 अलाउड है कि इससे ज़्यादा जजेस नहीं होने चाहिए। संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी ये नए अपॉइंट किए गए हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो हैं सुधीर भार्गव, सुधीर भार्गव इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब हाँ भारतीय मूल का कोई व्यक्ति बाहर किसी देश में जाकर किसी महत्वपूर्ण पद पर उसको अपॉइंट किया जाता है तो वो व्यक्ति भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रंप ने जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने क्या करा है, जो एक डीसी सर्किट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, तो वहाँ पर डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में नेओमी राव, नेओमी राव जो कि भारतीय मूल के हैं, तो नेओमी राव को नॉमिनेट किया है जज की पोस्ट के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो किसने किया है, ट्रंप ने नेओमी राव को डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में, ठीक है, एज अ जज, जज के लिए नॉमिनेट किया है। इसके अलावा जो गूगल क्लाउड है, जो एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, तो गूगल क्लाउड के जो नए CEO हैं वो हैं थॉमस कुरियन, ठीक है। इससे अच्छा, इससे पहले ये जो डीसी सर्किट, ये जो है जो ट्रंप द्वारा नामांकित, ये दूसरे व्यक्ति हैं, नेओमी राव जो हैं वो ट्रंप द्वारा नामांकित भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, इससे पहले एक और थे वो हैं श्रीनिवासन, श्रीनिवासन, यानी कि नेओमी राव जो हैं वो डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील के लिए जज के लिए एज अ जज अपॉइंट होने वाले या नॉमिनेट होने वाले वो ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, इनसे पहले जो करा गया था वो थे श्रीनिवासन। इसके अलावा जैसे गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड के जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं, थॉमस कुरियन, ये भी दूसरे व्यक्ति हैं, इनसे पहले जो थे गूगल क्लाउड के CEO वो थे सुंदर पिचई, ठीक है, ये याद रखिएगा, सुंदर पिचई इससे पहले थे। तो ये जो हैं थॉमस कुरियन, ये कैसे हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं गूगल क्लाउड के CEO। इसके अलावा दिल्ली के आपके दिल्ली के जैसे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो मेन मेन जगह के पूछ लिया जाता है, दिल्ली क्या है, दिल्ली मेन हब है, कैपिटल है, तो दिल्ली के मुख्य सचिव आपको पता होने चाहिए वो हैं विजय देव, इन्होंने अंशु, इससे पहले अंशु प्रकाश थे, तो इन्होंने अंशु प्रकाश का स्थान लिया जो नए मुख्य सचिव हैं, यानी कि न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन है, विजय देव, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं BIS,
BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की जो एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए जो मुख्य प्रतिनिधि चुना गया है वो है सिद्धार्थ तिवारी। केवल कि कौन से क्षेत्र के लिए, टोटल ओवरऑल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसका मुख्य प्रतिनिधि चुना गया है सिद्धार्थ तिवारी को। इसके अलावा जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनको वो चुना गया सुसाना डिनेज को। ये भी आप याद रखिएगा, जो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं नियुक्तियाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, फिर आपने अगर नाम भी अगर आपने सुन नहीं रखा होगा तो आप उसको गैस भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपने नाम पढ़ रखा होगा तो आप एग्ज़ाम में याद भी नहीं है तो गैस मार सकते हो। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है वो बनी है सुसाना डिनेज। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका राजदूत, देखिए अभी जो इससे पहले जो यूएन में जो जो अमेरिकन एम्बेसडर थी वो कौन थी, वो थी अमेरिका की जो थी वो थी निक्की हेली, वो भारतीय मूल की थी, लेकिन अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनको खुद हटना था उस पोस्ट से। तो अब जो यूएन में जो अमेरिकी राजदूत बनी है वो कौन बनी है, हीथर नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यूएन में अब अमेरिका की राजदूत है, कौन है, हीथर नॉट। इसके अलावा एक है स्विफ्ट इंडिया की चेयरपर्सन कौन बनी है, अरुंधति भट्टाचार्य। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं ये सेबी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो ये जो है अब जो है क्या बनी है, ये स्विफ्ट इंडिया की चेयरपर्सन बनी है। तो स्विफ्ट इंडिया की चेयरपर्सन कौन बनी है, अरुंधति भट्टाचार्य। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे, एक तो ये कि यूएन में अमेरिकी राजदूत कौन बना, हीथर नॉट, ठीक है, ये हो गया, और सुधीर भार्गव जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये हो गया, ये सारे एम्बेसडर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मतलब ये तो मेन है कि आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रथम लोकपाल जो पिनाकी चंद्र घोष थे, और RBI के गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और भारतीय हॉकी टीम के कोच, तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं। इसके अलावा हम अभी और भी नियुक्तियाँ देखते हैं, कुछ और नियुक्तियाँ हम देख लेते हैं। तो अभी जैसे कि नेपाल में भारत के राजदूत जो अभी नियुक्त हुए हैं, नेपाल में भारत के राजदूत कौन है, नीलांबर आचार्य। हमने अभी इससे पहले जो देखे थे वो चाइना में देखे थे, पाकिस्तान में देखे थे, बांग्लादेश में, अमेरिका में, जो इम्पोर्टेंट हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स हैं उनको अभी हमने देखा। तो जैसे कि हमने अमेरिका में देखा हर्षवर्धन श्रृंगला, चाइना में विक्रम जो मिश्री थे, और इसके अलावा हमने पाकिस्तान में भी देखा। इसके अलावा जो एक अभी मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं वो पहले जो थी वो रुचिरा कंबोज थी, जिनका स्थान अब लिया है, अब जो नियुक्त हुए हैं वो हैं जयदीप सरकार। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाता है कि अभी इस टाइम जो लेटेस्ट हैं उसमें कौन है, तो वो है जयदीप सरकार, इससे पहले थी रुचिरा कंबोज। तो इसको आप याद रखिएगा, ये हैं साउथ अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त। इसके अलावा नेपाल में, ये भी हमारी नेबर कंट्री है तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं वो हैं नीलांबर आचार्य। इसके अलावा अफ्रीकन संघ जो है, एक अफ्रीकन यूनियन है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के जो राष्ट्रपति भी हैं, तो ये आप याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको अफ्रीकन जो यूनियन है उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, चुना गया है। इसके अलावा एक है आपका फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन जो है, जो FTII, जिसको हम जो इम्पोर्टेंट बॉडी है फिल्म टेलीविज़न से रिलेटेड, उसके जो अध्यक्ष हैं उनको कौन नियुक्त किया गया है, वो है ब्रजेंद्र पाल सिंह। इससे पहले जो थे वो थे अनुपम खेर, तो उनका स्थान जो लिया है FTII के अध्यक्ष के रूप में वो लिया है ब्रजेंद्र पाल सिंह ने। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है UPSC के जो चेयरमैन है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है इस टाइम, अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरविंद सक्सेना, ये याद रखिएगा। CBI के डायरेक्टर, चूँकि CBI पे बहुत ज़्यादा
वो चल रहा था, बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे थे कि जो इससे पहले जो थे आलोक वर्मा थे, और इंतरिम जो डायरेक्टर बनाया गया था वो एम नागेश्वर राव थे। तो सीबीआई डायरेक्टर अभी जो अपॉइंट हुए हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला, ये याद रखिएगा, ये अब परमानेंट हैं अभी। इससे पहले जो थे वो इंटरिम जो बनाए थे क्योंकि केस चल रहा था, तो वो नागेश्वर राव थे। तो सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया है ऋषि कुमार शुक्ला को। इसके अलावा यूनिसेफ ने नॉर्थ ईस्ट के लिए यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपना एक यूथ एडवोकेट डिक्लेयर करा है। यूथ एडवोकेट डिक्लेयर किसको करा है, वो है नाहिद आफरीन। ये जो हैं असम की सिंगर हैं और ये बहुत छोटी हैं, इस वजह से ये यूथ एडवोकेट इनको यूनिसेफ ने बनाया है, नाहिद आफरीन, ये असम की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नए ब्रेग्जिट सचिव की, तो वो कौन बने हैं, ये ब्रेग्जिट का मतलब क्या है कि ब्रिटेन का एग्ज़िट होना, किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो ये बहुत फेमस चल रहा है कि ब्रेग्जिट के मतलब ब्रेग्जिट टर्म बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ब्रिटेन का इसका ही इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये ब्रिटेन का एग्ज़िट किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो ये नए ब्रेग्जिट जो सचिव जो थेरेसा मे है वहाँ की प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, उन्होंने जो बनाया है वो किसको बनाया है, स्टीफन बार्कले को। किसको बनाया है, स्टीफन बार्कले को। इसके अलावा जो इंटरपोल के जो इंटरनेशनल पुलिस है उसके जो प्रमुख हैं उनको वो किसे नियुक्त किया गया, तो इंटरपोल के जो प्रमुख हैं वो बनाया गया है किम जोंग यांग को। किसको, किम जोंग यांग को। किसको बनाया गया है, किम जोंग यांग को, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं साउथ कोरिया के। ये याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल पुलिस जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या बनाया गया है इनको, प्रमुख किम जोंग यांग। इसको आप किम जोंग उन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, किम जोंग उन अलग नेम है, किम जोंग यांग अलग नेम है। तो ये साउथ कोरिया के हैं, इंटरपोल के प्रमुख बनाया गया है। एक आपका अमेरिकी कंपनी है वो है ओगिलवी। ओगिलवी जो है उसके जो चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हैं वो किसको बनाया गया है, वो अमेरिकी कंपनी है, ये याद रखिएगा, ओगिलवी। इसका चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बनाया गया है पीयूष पांडे को। ये भारत के बहुत मशहूर जो विज्ञापन निर्माता होते हैं उनमें से एक हैं, विज्ञापन निर्माताओं में से एक हैं, इसलिए इनको चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बनाया गया। किसको, पीयूष पांडे को, ओगिलवी कंपनी की, जो अमेरिकी कंपनी है। इसके अलावा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका महानिदेशक बनाया गया है प्रभात सिंह को, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जो जो आयुध फैक्ट्री है उसका, जो आयुध मतलब जो हमारे अस्त्र वगैरह होते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो सौरभ कुमार को बनाया। ये सारे ही लेटेस्ट हैं तो इनको आप दिमाग में रखिएगा। OFB का यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया सौरभ कुमार को। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि वहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है, वहाँ के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जस्टिस यानी न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा। आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के क्या बनाए गए हैं, मुख्य चीफ जस्टिस यानी कि जो चीफ जस्टिस है मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा है ग्लोबल सोलर काउंसिल, ये काउंसिल है, ये एक परिषद है जो सोलर से रिलेटेड है, मतलब जो सूर्य की ऊर्जा से रिलेटेड है। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल, उसका प्रमुख किसको बनाया गया, वो बनाया गया प्रणव आर मेहता को। किसको, प्रणव आर मेहता। इनको जो है इंडिया का सोलर मैन भी बोलते हैं, तो सोलर इंडिया, सोलर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, प्रणव आर मेहता। ये अलग से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रणव आर मेहता, इनको बनाया गया ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रमुख। इसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ICC, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, उसका CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को बनाया गया है। एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जो रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे अश्वनी लोहानी, उनको बनाया गया है एयर इंडिया के चेयरमैन। इसके अलावा जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है NCC, उसके महानिदेशक के रूप में, हो सकता है आपको नीचे दिखना आ रहा हो, NCC के महानिदेशक बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, राजीव चोपड़ा,
ये कौन बने हैं? ये बने हैं एनसीसी के महानिदेशक, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ये याद रखिएगा। तो अभी हमने इधर की साइड क्या देखा कि नेपाल में भारत के राजदूत नीलांबर आचार्य, अफ्रीकन जो यूनियन है उसके अध्यक्ष कौन, मिस्र के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, FTII जो अनुपम खेर जिसके अध्यक्ष थे पहले वो ब्रजेंद्र पाल सिंह हो गए हैं, यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना, सीबीआई के डायरेक्टर जो एम नागेश्वर राव जो इंटरिम डायरेक्टर थे उनके स्थान पर अब लिया है ऋषि कुमार शुक्ला ने, यूनिसेफ ने नॉर्थ ईस्ट का यूथ एडवोकेट नाहिद आफरीन को बनाया है, नए ब्रेग्जिट सचिव जो हैं वो जो थेरेसा मे है वहाँ की प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त किया है स्टीफन बार्कले को सचिव ब्रेग्जिट के लिए, इंटरपोल जो है उसके प्रमुख कौन बने हैं, किम जोंग यांग, ये कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, किम जोंग उन अलग हैं, किम जोंग यांग अलग हैं, ठीक है, ये भी साउथ कोरिया के हैं। ओगिलवी जो अमेरिकी कंपनी है उसके चीफ क्रिएटिव ऑफिसर पीयूष पांडे, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके महानिदेशक प्रभात सिंह, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सौरभ कुमार, जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो चीफ जस्टिस बने हैं उसके कौन बने हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रणव आर मेहता, ICC के जो CEO हैं वो कौन बने हैं, मनु सहानी, एयर इंडिया के जो पूर्व जो इस एयर इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं, जो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे वो बने हैं अश्वनी लोहानी, NCC के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। अब हम थोड़े और जो कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं PC मोदी, PC मोदी मतलब प्रमोद चंद्र मोदी, इनको बनाया गया है CBDT का चेयरमैन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है वो है कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के लिए नियुक्त किया गया है आदित्य कुमार मिश्रा को, किसको, आदित्य कुमार मिश्रा को, इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे इन अपॉइंटमेंट्स को तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसके अलावा बार्क के जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर AK मोहंती, बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि है, तो इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर AK मोहंती। नेवी के चीफ हमने अभी पढ़ा था करमवीर सिंह हैं, नेवी के चीफ हैं करमवीर सिंह। इसके अलावा जो वित्त सचिव है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था वित्त सचिव, ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर 14th फाइनेंस कमीशन के पूछ रहे हैं या 15th फाइनेंस कमीशन के पूछ रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाता है 14th फाइनेंस कमीशन के, तो वित्त सचिव जो थे यानी कि आपके फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे वो 14th फाइनेंस कमीशन के थे, कौन, AN झा, जो अभी आपने इससे पहले पढ़ा था। तो AN झा, अजय नारायण झा जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो किसके थे, 14th के, लेकिन अभी जो हमारा वो फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है वो है 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन या 15th जो 15वां वित्त आयोग है उसके वित्त सचिव जो बने हैं वो हैं सुभाष चंद्र गर्ग। तो ये दिमाग में रखना है कि 14वां वित्त आयोग पूछा गया है या 15वां वित्त आयोग पूछा गया, तो 15वें वित्त आयोग के सुभाष चंद्र गर्ग हैं जबकि 14वें वित्त आयोग के अजय नारायण झा। इसके अलावा नालसा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है विधिक मामलों से रिलेटेड, जिसको आप बोलते हो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इसी के अंदर वो ट्रांसजेंडर और जो गे लेस्बियन LGBTQ वाला जो केस था वो पूरा इसी के अंडर आता है। तो अगर आपसे ये पॉलिटी में हम पढ़ेंगे तो नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके चेयरमैन जो बने हैं वो हैं जस्टिस AS बोबड़े, ये नए हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया, इन्होंने लिया जस्टिस AK सीकरी का। तो ये आपको याद रखना है कि AK सीकरी जो थे वो पहले थे नालसा के चेयरमैन, अब जो हैं जस्टिस कौन है, AS बोबड़े, AS बोबड़े। इसके अलावा LIC के जो चेयरमैन हैं इस टाइम वो कौन है, AR कुमार, LIC के जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसके हैं AR कुमार। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो पहले कौन थे, वो पहले थे जिम योंग किम, अब जो हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो हैं डेविड मालपास। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन में हो सकता है आपको जिम योंग किम भी दे रखा हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो अब जो बन चुके हैं वो हैं डेविड मालपास। तो जिम योंग किम किसके थे, वर्ल्ड बैंक के पहले, जबकि ये जो नाम है ये कंफ्यूजिंग है, थोड़े अलग हैं, लेकिन याद रखना ये है किम जोंग यांग जो इंटरपोल के प्रमुख हैं, वो थे जो पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे वो थे जिम योंग किम।
ठीक है, डेविड मालपास साहब हैं। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो मुखिया हो जाते हैं, याद रखने। वैसे तो हाई कोर्ट के सबके इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो नया हाई कोर्ट बना है और ये देश का 25वां हाई कोर्ट है। पहले 24 हाई कोर्ट थे, तो 25वां चूँकि हाई कोर्ट है तो इसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं ना, ये पता होना चाहिए। ये बने हैं विक्रम नाथ, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे चीफ, मतलब जस्ट उसमें थे, तो इसलिए अब जो बने हैं हाई कोर्ट के, जो इलाहाबाद हाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो नया बना है, तो उसके जो चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं विक्रम नाथ। इसके अलावा जो जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है, उसके जो कुलपति हैं उनके रूप में चुना गया है प्रोफेसर नजमा अख्तर को। किसको? प्रोफेसर नजमा अख्तर, जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा इस टाइम डिजिटल डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस है पूरी गवर्नमेंट का, सभी लोगों का, तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, उनको वो किसको, सतीश कुमार गुप्ता। इस टाइम जो है पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट बैंक है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं सतीश कुमार गुप्ता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड, ये मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड मतलब नियंत्रण को लेकर एक बोर्ड है, इंटरनेशनल बॉडी है। इसके जो चुने गए हैं, इनको किसको निर्वाचित किया गया, वो हैं जगजीत पवड़िया। किसको? जगजीत पवड़िया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हम सभी को पता है अजीत डोभाल जी हैं, ये दोबारा चुने गए हैं, इससे पहले भी यही थे, अभी इनको दोबारा से चुना गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं साउथ अफ्रीका में, जो इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो भी कॉमनवेल्थ का पार्ट रह चुका है, तो चूँकि कॉमनवेल्थ का पार्ट रह चुका है तो वहाँ पर भी क्या होंगे, हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त होंगे। तो भारतीय उच्चायुक्त साउथ अफ्रीका में कौन है, इस टाइम है जयदीप सरकार, उन्होंने स्थान लिया है रुचिरा कंबोज जी का। पाकिस्तान की जो पहली, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू महिला जज बनी है, उनका नाम है सुमन कुमारी, ये याद रखिएगा। पहली बार इतिहास में क्या बनी है, पाकिस्तान में एक पहली हिंदू महिला जज बनी है, उनका नाम है सुमन कुमारी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं वो कौन है, वो हैं डब्ल्यू वी रमन। जैसे अभी हमने देखा था जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है जो मतलब पुरुषों की है, उसके तो रवि शास्त्री जी हैं। अभी हमने और भी हॉकी के भी टीम के कोच देखे थे, ठीक है। इसके अलावा ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, ये महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं कौन, डब्ल्यू वी रमन, इनको अभी बनाया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां थी महत्वपूर्ण पदों पर, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बैंक से ऑल दो इसमें बहुत सारी नियुक्तियां जो हैं बैंक्स में भी होती हैं, यस बैंक, बट वो जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आईबीपीएस का है या फिर किसी भी बैंक का एग्ज़ाम है। हमारे लिए ये नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, मेन सभी नियुक्तियों को हमने कवर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।